वार्निंग, सुनाई नहीं दिखाई देनी चाहिए, और आज के बाद सभी को याद रहेगा जो रिवाज को भा लिया समझो रिवाज ने पा लिया। हद है, कोई रोक टोक नहीं, गुंडागर्दी मचा रखी है कॉलेज में। कौन रोकेगा, इतने बड़े नेता शिवराज जी की औलाद जो है। मिसेस तिवारी, शिवराज जी तो एक अच्छे इंसान हैं। पता नहीं उनके घर में ये सपोला कहाँ से पैदा हो गया। तो उनसे शिकायत करनी चाहिए ना। मरना है क्या, शिवराज जी तो अपने बेटे को डांट टपट के छोड़ देंगे, उसके बाद ये छोड़ेगा। शिकायत करने वाले को ना तो इस शहर में रहने देगा और न ही इस दुनिया में। पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, इसका भी भरेगा, इसे इसकी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो 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 साथ में। दी, रैगिंग करेंगे। अरे नहीं स्टूपिड, इंट्रो है और सब मस्ती में होता है। एक काम कर, तू जा, ये फॉर्म में सबमिट कर दूंगी। दुर्गा माँ, अब आपको ही जान बचानी है, भूल ना जाना हम झांसी वाली रानी है। चुवन्नी अठन्नी, चुवन्नी अठन्नी, चुवन्नी अठन्नी, चुवन्नी अठन्नी, चुवन्नी अठन्नी। बस 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 बस, अब सामने से शहंशाह आ रहे हैं, उनके सामने कनीज की तरह 21 तोपों की सलामी देनी है। चलो पनाह को कनीज का सलाम, जा पनाह को कनीज का सलाम, जा पनाह को कनीज का सलाम। जहां पनाह को कनीज का सलाम। किधर के जा पनाह है ये? पता नहीं। हेलो, झापना सलाम, झापना सलाम। पूरी लाइन बोल। क्यों, आप इनको मानते होंगे झापना, वो बोल दिया मैंने, पर मैं कनीज नहीं हूं, वो नहीं बोलूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं 21 तोपों की सलामी दे दूंगी। हिचकियाओं एक, हिचकियाओं दो, हिचकियाओं तीन, हिचकियाओं चार, हिचकियाओं पांच। Yes.
थिश क्या हो 21। बस हो गई 21 तोपों की सलामी, थक गई और इचकी भी आ रही है, प्यास भी लगी है। अब मैं जाऊं? गुलाबी सलवार, जहां अपना कनीज को खुद अपने हाथों से पानी पिलाना चाहते हैं। पियो? नहीं पीना। और मैं किसी की कनीज नहीं हूं। ये उसी का काम है। कोई इतने इतने क्यूट से बच्चे को कैसे मार सकता है? रानी बस कर, कितना रोएगी? देख कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना पेट्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम ना इसे प्रॉपरली अच्छे से बरी करेंगे, मत रो अब। अच्छा सुन, इस बात की खबर ना घर पे ना पगे, नहीं तो बवाल मच जाएगा रानी, समझ रही है ना? हाँ दी। रानी बस ना, कितना रोएगी? चल अब इसे बाय बाय बोल दे, हम ना इसे अच्छे से गाड़ कर चलते हैं। चलो तेरे खेलने में बहुत मस्ती आती थी, वो भी सारा टाइम दांतों से खींचते ही रहता था। जग्गू दादा बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। जिसने भी तुम्हारी हालत की है ना चक्कू दादा, उसको मैं उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। रानी आर यू श्योर ये रिवाज ने किया है? नहीं मेरा मतलब कि वो इतना गुड लुकिंग है, रिच बॉय है, इतनी बड़ी फैमिली से है, वो तेरे पीछे क्यों पगेगा? दी मुझे पता है कि ये उसी का काम है। कल रात भी वो घर के बाहर वही था।
रानी। हाँ दीदी। प्राइवेट नंबर? प्राइवेट नंबर? हेलो। रोया ना करो, एक तो हमको भी तकलीफ सी हो जाती है और ऊपर से तुम्हारी ब्यूटी भी थोड़ी सी अगली होने लग जाती है। कौन हो तुम? सामने आओ, क्यों बड़े हो तुम मेरे पीछे? आ जाऊंगा, सही वक्त आने तो बिल्कुल आऊंगा सामने, बस इतने ही प्यार से बुलाती रहना। मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे पता है कि तुम रिफ। तो ना होगी ना, इंतजार का भी अपना अलग ही स्वाद है ना? हाय रानी, हो ना हमारे साथ। हेलो। हेलो, स्वीकार करें, अपने कॉलेज से है ना आप? जी, आप मुझे पहचानते हैं? देखे हैं कई बार। ठीक हैं आप? जी। ओ, देखे आप अपने पिल्ले प्यारे को दफना रही थी, बहुत दिल टूटा होगा। हमारे पास भी एक हुआ करता था, इसलिए दर्द समझते हैं। फूल चढ़ा दीजिएगा इसकी कब्र पर, अच्छा लगेगा। बच्चा था ना, वैसे गया कैसे? किसी ने मार दिया उसे। नाम बता दो। इसी के बगल में उसके भी लेटने की परमानेंट साली जगह बना देंगे। सही कह रहे हैं, जानवर पर जानवर और इंसान पर इंसान ही शक्ति दिखाने का हक रखता है, वरना साला मैथमेटिक्स बिगड़ जाता है। जी। कभी कुछ हो, कोई जरूरत तो बता दीजिएगा कॉलेज में। जी, थैंक यू। फिर मिलते हैं। बाय बाय, स्वीकार करें। बात करना तो दूर, तेरी और देखा तक नहीं, और तू कहती है तेरे पीछे पड़ा है। मैंने कहा था ना, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है। बुद्धू, जब चुलुप तेरी लहराए, बुंदेलखंड हिल जाए। भैया जी, थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कॉलेज में तोप चलवाई के टाइम पे तो निशाने पे छोटी वाली थी, और आज आंखों की दुनाली आपने बड़ी वाली पे तान रखी थी, कहीं फैमिली पैकेज तो नहीं बना रहे?
आनो जी भैया जी, वो तो रानी है ना जी, उसकी बारा की ढेर वो फुसकी है सुसरी, हमें पता क्या चाहिए जी भैया जी, हमें चाहिए विस्फोटक बम, एकदम गरम विस्फोटक बम, समझ गए? टेस्ट अगर अच्छा ना होना तो आदमी के जीवन की मैथमेटिक्स बिगड़ जाती है, ध्यान रखना। भैया जी हम तो ना मोडियो में टेस्ट नहीं देखते, पता है बस गिर जाए झोली में। चलो आप अपने टेस्ट को संभालो और छोटी वाली को आपका भाई संभाल लेगा। इधर आ। जी भैया जी क्या बोल रहे थे बे? हम तो बस वैसे बस मजाक में। छोटी वाली का था? वैसे वैसे मजाक में रानी कब तक उदास बैठी रहेगी, भूल जाना उसे। चल आजा हम डांस प्रैक्टिस करते हैं, तेरा मूड चेंज हो जाएगा। ना दी मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है। देख रात को हमारा शो है ना, और तू प्रैक्टिस नहीं करेगी तो पूरा डांस खराब हो जाएगा। चल 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 हंस दे ना, सिर्फ तू ही कर सकती है ताबुल टोल मार। चल ये है स्वरक की अप्सरा उर्वशी। अरे तो स्वरक में ही रहती, हमें झोपड़ी में काहे उतरी, कॉलेज की छुट्टी का हो हमें उस सिर में दर्द शुरू हो जाए। तू ना रहने दे, कमर तो हिलती नहीं है तेरी, तुझसे नहीं होगा। दी ज्यादा बड़बोली ना बनो, मैं भी बैकग्राउंड में लीड डांसर हूँ। हाँ अच्छा देख, स्टेज ना आसमान जैसा होता है, और आसमान के बैकग्राउंड में कितने भी तारे चमक रहे हो, नजर तो सबकी चांद पे होती है। दी साइंस पढ़ो साइंस, चांद के पास ना खुद की रोशनी नहीं होती, उधारी पे जगमग होता है, पर तारों के पास तो ना खुद की अंदर वाली रोशनी होती है। अच्छा चल वो शाम को देखेंगे कि किसकी रोशनी ज्यादा अच्छी है, तू जा अपना काम कर ले। ठीक है दी। देख अब धूल की परत जमी रह पंखे पर, कभो तो ध्यान दिया कर। हाँ अम्मा जी, वो 15 दिन से धुला नहीं है ना वो बैग। उदास तो बिल्कुल नहीं जमती तुम, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हो, व्हाइट चांद पे ब्लैक डार्क जैसे, इसीलिए ये पिलो के सैंपल भेजे हैं, जो पसंद आए बता दो, घर पे डिलीवर कर देंगे।